हिम्मत ना हारने वालों को मेरा सल्यूट। इंडिया में अभी कोरोना बीमारी का तांडव कम भी नहीं हुआ था कि एक नई बीमारी हमारे सामने आ गई, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक फंगस की। कोरोना से रिकवर हुए मरीजों में एक इन्फेक्शन जिसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहा जा रहा है, इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा डर ये है कि ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जनरली इससे आंख और जबड़े बुरी तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डायमेंशन एस के सर में। दोस्तों, ये वीडियो एक तरह से अवेयरनेस के लिए है, जिससे हम इस तरह की इन्फेक्टियस डिसीज से बच के रह सकें और ये जान सकें कि ब्लैक फंगस किस तरह से फैलती है, इससे किस तरह से बचना चाहिए और इससे किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। COVID-19 के बाद ब्लैक फंगल ने इंडिया में काफी डर का माहौल कर दिया है और इसके इफेक्ट्स को देखते हुए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो इसे महामारी डिक्लेयर भी कर दिया है। लेकिन आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, ये कहां से आती है और इंसानों पर इसका क्या इफेक्ट है, तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। ब्लैक फंगस का मेडिकल नाम म्यूकोरमाइकोसिस होता है। ये एक बहुत ही रेयर फंगल होता है जो कि हमारे आसपास ही मौजूद होता है। इसका डेथ रेट ज्यादा होने की वजह से यह काफी खतरनाक माना जाता है। ब्लैक फंगस कैसे फैलता है? हमारे आसपास ब्लैक फंगल इन्फेक्शन मिट्टी में पाए जाने वाले एक म्यूकॉर्मी सेट नाम के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में सांस के थ्रू या फिर स्किन कॉन्टेक्ट के थ्रू एंटर करता है और साइनस, लंग्स, स्किन और ब्रेन पर असर डालता है। अब देखते हैं कि किन लोगों को इससे ज्यादा खतरा रहता है। ये किसी भी उम्र और किसी भी जेंडर के लोगों को हो सकता है। इसका सीधा खतरा उन लोगों को है जो बहुत ही कमजोर इम्यूनिटी के हैं। देखा गया है कि ये फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा हो रहा है जो अभी अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं। रीजन साफ है, कोरोना से रिकवर हुए लोगों की कमजोर इम्यूनिटी की वजह से ये उन पर जल्दी अटैक करता है। इस बीमारी के सिम्टम्स, अलग अलग लोगों में इसके असर अलग अलग देखे जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स ये हैं, जैसे बुखार आना, चेहरे पर ज्यादा सूजन, आंखों की रोशनी का कम होना, साइनस कंजेशन, छाती में दर्द, बलगम में खून, चेहरे और बॉडी पर लाल काले रंग के निशान पड़ जाना, चेहरे के एक हिस्से में सुन्नपन होना। ब्लैक फंगस से प्रिवेंशन, इससे बचाव का पहला उपाय ये है कि हमें अपनी और अपने आसपास की हाइजीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धूल मिट्टी वाली जगहों से परहेज करना चाहिए और मास्क का यूज करना चाहिए। इम्यूनिटी को मजबूत करने वाली चीजों को ही खाना चाहिए। योगा और एक्सरसाइज को जरूर करते रहना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द आ रही है हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखना ना भूलें। 5 बेस्ट योगा पोजेस फॉर लंग्स। सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट डायमेंशन एस के सर यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन को प्रेस कीजिए सेल्फ हेल्प एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।